एक वायरल डिजीज की बात करते हैं, वो वायरल डिजीज ऐसी है, इतने लोगों को हो गई है कि उसके नाम के आगे लगा दिया कॉमन। नाम सुना है ना, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड वायरस से फैलने वाली बीमारी है। जिस वायरस से फैलती है उस वायरस का नाम है रीनो वायरस या राइनो वायरस। राइनो गेंडे को कहते हैं, यू नो, गेंडे की नाक से शब्द इन्होंने चुना हो, इनकी मर्जी है, क्योंकि जुकाम भी नाक में ही होता है। मैं जुकाम कॉमन कोल्ड की बात कर रहा हूं। तो राइनो वायरस, अच्छा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? अब इंक्यूबेशन तो यहां मत पूछो, क्योंकि तुरंत ही हो जाता है कि किसी ने छींक के दूसरे पे प्रिंट आउट निकाला, उसे हो गया। आजकल तो दोस्त इतने ब्रह्मास हो गए हैं भैया कि अगर किसी को जुकाम है ऐसे नाक पे हाथ घुमाएंगे और चुपचाप दूसरे दोस्त से हेलो हाउ आर यू, क्या हाल है, हाथ मिलाएंगे ताकि पड़ोसी उससे ज्यादा छींके। जानबूझ के अपने साथ पानी पिलाएंगे, अपनी टॉफी, अपना चॉकलेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो शेयर करने का जमाना नहीं रह गया है। किसी की बोतल वगैरह से आप यूज करते हो पानी के लिए, वाटर बॉटल कोई लेके आया है तो 100% मुंह लगा के पिएगा, और तुम मांगोगे और पूछोगे झूठी तो नहीं है, तो कहेगा नहीं मैं तो बहुत दूर से पीता हूं। भाई हम खुद तो बीमार है, दूसरे को करके जरूर मानेंगे, सेंस लेके ह्यूमैनिटी के। मांगो ही मत, कह दो अपने पापा से कि भाई हमें एक बोतल लाके दो, हम अपना पानी पर्सनल लेके जाएंगे। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? यहां तक कि टैप को भी अनहाइजीनिक कर देते हैं, टैप को धोने की बजाय उसके ऊपर ऐसे घुमा के और कर देंगे। अगर कोई पब्लिक टैप लगी हुई है, मतलब वाटर कूलर वगैरह लगे हुए हैं पब्लिक या स्कूल में कहीं पे भी, तो दूर से ही पानी पी के ऐसा कुल्ला करेंगे कि छींटे वहां तक जाए, सारी टैपों पे हो जाए, उन्हें कोई बीमारी हो तो दूसरे को। अभी कोरोना फैला तो देखा नहीं था, जगह जगह थूकते ही घूम रहे थे लोग, कुछ नहीं तो लोगों के घर के सामने थूक जाते, तू पता नहीं क्यों, उन्हें आनंद आ रहा था उसमें कि अगर हमें तो दूसरे को तो करके मारेंगे। मेंटेलिटी अनपढ़ो जाहिल लोगों, आप एजुकेटेड हैं, खुद सही काम करो और दूसरों को भी सही करने के लिए समझो। तो मैं राइनो वायरस की बात कर रहा हूं, नाक में घुसा, नाक के अंदर छींके मार मार के पागल कर देगा, कॉमन कोल्ड हो जाएगा। अब आपने उस बंदे के ग्लासेस लगा लिए, ग्लासेस समझते हो ना, चश्मा मत लो, गॉगल्स मत लो, हो जाएगा। लेकिन ये एक्यूट डिजीज है, होगा 3 से 7 दिन में खत्म हो जाएगा अपने आप, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बन जाती है। Acute diseases are those which last for a short period, and a chronic disease lasts for a long period. They are prolonged, लंबा चला करती है। Sign and symptom क्या है? Common cold जुकाम में sign and symptom क्या है? नाक बंद रहती है, nasal congestion कहते हैं। अब कहोगे भैया हमारी तो बंद नहीं है, अरे तो बहती रहेगी, या तो बंद या बहेगी। बह रही हो तो डॉक्टर से जल्दी से गोली मत खाओ, अगर बंद कर दी तो अंदर प्रॉब्लम रुक जाएगी, उसे जाने दो, बहती गंगा है बहने दो, ठीक है। लेकिन साफ कार नहीं हो तो छत पे खड़े होके बड़ी जोर से ना कर दें, रुमाल रखें ढंग से, मास्क उस्क तो अब सभी लोग यूज करते हैं। अच्छा सोर थ्रोट हो जाता है, ये क्या होता है, गला बैठ जाता है, आवाज भारी भारी हो जाती है, साथ में खांसियां आया करती हैं, सिर में दर्द हुआ करता है, हॉर्सनेसनेस। हॉर्सनेस का मतलब होता है आवाज भारी बहुत जो निकला करती है गला बैठने की वजह से, ठीक है। और जिसको जुकाम है 100% उसे थकान जरूर, थकावट का एहसास होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये बीमारी थी कॉमन कोल्ड। अब ये वायरस की बीमारी हुई,
कोरोना आजकल कॉमन फैल रहा है, वो भी इसकी बीमारी है, उसके बारे में भी जान सकते हैं।